हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। त्योहारों का सीज़न है तो क्यों ना हम कुछ मीठा बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही रखी हुई कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी मिठाई बनाने वाले हैं, और वो है नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हमने लिया है यहाँ पर 2 नारियल, जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है वो चाकू की सहायता से हमने निकाल दिया है और इस पतले पतले पीसेस काट लिए हैं। और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और आधा आधा करके इसे पीस लेंगे। पीसते समय मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल भी पानी ना डालें, इसे ऐसे ही पीसना है। कढ़ाही में 2 चम्मच घी गरम करेंगे और पिसे हुए नारियल को घी में डाल देंगे। दोबारा जो पीसा है नारियल उसे भी हमने डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। और नारियल को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। भूनने से इसमें बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। चीनी हमारी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। करीबन 3 से 4 मिनट इसे हमें और पकाना है, और हम इसे थोड़ा सा बाइंड करके देखेंगे। जब ये अच्छी तरह से बाइंड होने लगे तो गैस को हम बंद कर देंगे और नारियल के मिश्रण को प्लेट में निकाल लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। आप इस मिश्रण से लड्डू, बर्फ़ी, मिठाई कुछ भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर बर्फ़ी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से गोल शेप देकर और थोड़ा सा चपटा कर दिया है। आप इसे चाहे तो एकदम राउंड शेप देकर इसके लड्डू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से चारों तरफ से प्रेस करके गोल शेप दे देंगे, और इस पर गार्निशिंग के लिए हम बादाम या फिर काजू, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप इस पर लगा दें। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरह से हम सारी बर्फ़ी तैयार कर लेंगे। आप इसे जमा कर भी बर्फ़ी बना सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ लड्डू भी तैयार किए हैं। मैंने इन बर्फ़ी पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर पानी में घोलकर लगा दिया है, और ऊपर से बादाम को लगाकर फिर से इसे गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।